लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ने के बाद बाहर आकर के प्रेस को संबोधित किया गया, हमें प्रेस को संबोधित कर उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जो है सरकार को महिमा मंडित करने की बात प्रेस से करता है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक अधिकारों के विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाए। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, हमें कोई खुशी नहीं है कि राज्यपाल जी आ रहे, हम उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे, हम अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई भी विषय उसमें नहीं था, ओपीएस लागू करने का कोई विषय नहीं था, और जो पुलिस का पे ग्रेड है उसके विषय में कोई बात नहीं थी, स्मैक का नशा जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई विषय में बात नहीं थी, जो विकास अवरोधित हो चुका है पूरी तरीके से, सड़कें टूटी हैं, बदहाल है, गैरसैंण राजधानी है, हालत देखिए आप, सड़कें अभी पड़ रही हैं क्योंकि सत्र चालू है, और जब सत्र चालू नहीं होता, जिस गैरसैंण को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का एक एक स्टंट करा है, वहां पे सड़कें टूटी हैं, तो साफ दर्शाता है डबल इंजन की सरकार न विकास कर पा रही है न साथ दे पा रही है। प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके, इसीलिए आज वेल में कांग्रेस के सारे सम्मानित सदस्यों ने सामूहिक तौर से सरकार की नीतियों के खिलाफ उस अभिभाषण का विरोध करा है, और आगे भी 310 और 58 की अभी महत्वपूर्ण हमारी बैठक हुई है, 310 और 58 की जो सूचनाएं हैं उसमें भी सरकार को घेरने का कार्यक्रम, एक साल लगभग प्रदेश सरकार को हो गया है सत्तर, और ये एक वर्ष जो है ये विफलताओं का वर्ष है। आप देखेंगे क्योंकि कांग्रेस के पास इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, चाहे पेपर लीक को लेके, चाहे हमारे विकास अवरोध को लेके, इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो मैं समझता हूँ कि विफलताओं का वर्ष है। और जो हम मुंबई में राज्यपाल का अभिभाषण है, मुझे नहीं लगता कि उस अभिभाषण में कुछ ऐसा विशेष उपलब्धि रहेगी, वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा होगा, और निश्चित रूप से हम इसका अभिभाषण में पूर्ण तरीके से विरोध भी करेंगे, और जो आज की परिस्थिति को देखते हुए और जो आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है बेरोजगारी को लेके, पेपर लीक को लेके, सारे मुद्दों को लेके विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात करें, आप देखेंगे किस प्रकार भाजपा सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है, विफल हुई है, लग रहा है तो उसको बेरोजगारी का दर्द दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें गलत क्या है? जहां पर सीबीआई और ईडी को एक टूल की तरह विपक्षी दलों के नेताओं को डराने धमकाने के लिए यूज किया जा रहा है, अगर प्रदेश के युवाओं ने कहा कि सीबीआई की मांग रखी पेपर लीक है, तो किसको बचाने के लिए, किसको का बचाव करने के लिए पुलिस द्वारा उन पे डंडे भाजे गए, उनके सर फोड़े गए? उसी तरीके से आप देखिए अंकिता भंडारी केस में अभी तक उस वीआईपी का खुलासा नहीं किया है कि वो वीआईपी कहाँ कौन है, ये जानबूझ के सरकार है, डबल इंजन है, कितना टाइम लगेगा सरकार को उस वीआईपी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन जानबूझ के इतनी देरी, इतना विलंब किया जा रहा है न्याय दिलाने में, ताकि अंकिता बहन का जो ये मसला है ये कहीं ना कहीं दब जाए लोगों की याद में, लेकिन विपक्ष इसको कहीं से कहीं तक, अंकिता हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारा मान सम्मान, उसने उत्तराखंड की प्रत्येक महिला का, प्रत्येक लड़की के सम्मान के, मातृ शक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, वो उतने नहीं टेके, भले ही वो इस दुनिया में नहीं रही, कुछ लोगों के इस तरीके की गलत प्रवृत्ति के लोगों ने उसकी हत्या की, लेकिन उसने कितने नहीं टेके, और हम अंकिता बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जोशीमठ की आपदा देखिए, बार बार सरकार को चेताया गया, कोई क्यों थी सरकार, आज उत्तराखंड हमारा मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्र में है, आपदा ग्रस्त क्षेत्र है सभी जगह पूरा, चाहे आप मैदानी क्षेत्र की बात करें, आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो सरकार क्या कर रही है, क्या रुख है? मैं हरिद्वार जनपद से आती हूँ, जोन फोर में हमारा आपदा का वो है तटबंध, मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण चारों तरफ से तटबंध के तट के पास बसी हुई है, कई गांव हैं भोगपुर के और लालढांग में कांगड़ी गाजी वाली जो हर समय आपदा से प्रभावित रहते हैं, ग्राम कांगड़ी में तो ये हालात हैं कि नदी के पास जो घर बसे हैं उनको खाली करा दिया गया है, लेकिन उसके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। स्मैक का धंधा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि घर घर में
आज बच्चा जो है बेरोजगार है और साथ में स्मैक की लत में भी पड़ चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का हम लोगों ने उपाय किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।